हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? शायद सभी लोग सही होंगे और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि गुडविल में बुक गुडविल क्या होती है और उसकी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बट आज क्लास में हम ये पढ़ेंगे फर्म गुडविल में फर्म गुडविल क्या होती है और फर्म गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और अगली क्लास में हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आप लोगों को कोई भी गुडविल में कोई तकलीफ नहीं होगी जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फर्म गुडविल। तो फर्म गुडविल क्या होती है? फर्म गुडविल एक रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होती है। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस जिसको कैसे क्रिएट किया जाता है? सेल्फ जनरेटेड। ये सेल्फ जनरेटेड होता है, मतलब हमने किसी का बिजनेस खरीदा नहीं, हमने खुद से अपना गुडविल क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? इसे हमने क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पास्ट में बहुत सारा मेहनत करके, हमने पास्ट में बहुत सारा मेहनत किया तब हमारा फ्यूचर में हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, इसके हिसाब से हमने इसे क्रिएट किया। फर्म गुडविल, फर्म गुडविल की दो चीजें होती हैं अकाउंट्स में। फर्म गुडविल की दो चीज होती है, एक तो इसकी वैल्यूएशन की जाती है, एक क्या करते हैं इसको वैल्यू की जाती है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि फर्म गुडविल कितना होगा, एक फर्म का कितना गुडविल होगा, इसे कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आज और वैल्यूएशन में कितने तरीके का वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन को हम लोग चार तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो मेथड होते हैं और लास्ट एन्युटी। और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग पार्टनरशिप के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे व्हेन प्रॉफिट से रेशियो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब दो पार्टनर के बीच में या तीन पार्टनर के बीच में उनका प्रॉफिट से रेशियो चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में अलग होता है। जब नया पार्टनर आए उस कंडीशन में अलग होता है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब, और या रिटायरमेंट हो जाए तब। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के वैल्यूएशन, किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का मेथड से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैं सारी केस कराऊंगा, जितने भी केस आपके सीबीएसई या आईसीएसई के बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं उस सारे केस को कराऊंगा, तो सभी लोग ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले को आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जैसे बताऊंगा आपको फॉर्मूला लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्म गुडविल में। फर्म गुडविल में वैल्यूएशन, गुडविल के अंदर फर्म गुडविल में वैल्यूएशन। ठीक है, और वैल्यूएशन के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा समझना। इस फॉर्मूले को आप भी याद नहीं है, आपको फॉर्मूला ये याद नहीं है तो भी आप फॉर्मूले को क्रिएट कर लोगे। मैं ये बता दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे और आप सोच के बता दोगे कि शायद इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला जाता है। ठीक है, जैसे इमेजिन करते हैं कि एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है एबीसी फॉर्म, इसमें तीन पार्टनर हैं, ये और ये तीनों, जिसका एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, इन्होंने अपने फॉर्म को स्टार्ट किया 2010 में स्टार्ट किया। ठीक है, 2010 में इन्होंने बहुत मेहनत की, तीनों ने बहुत मेहनत की
और प्रॉफिट जनरेट हुआ 15,000 रुपए। कितना जनरेट हुआ प्रॉफिट? 15,000 2010। फिर इन्होंने फिर मेहनत की 2011 में, और ज्यादा मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और इन्हें प्रॉफिट हुआ 2,500। फिर और मेहनत की 2012 में, 2012 में मेहनत की, और इस बार प्रॉफिट हो गया 30,000। अब यहां पे तीनों खड़े होके, मतलब 3 साल मेहनत करने के बाद अपने में एक बात कर रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं, या अगर हम यहां पे मेहनत ना भी करें, अगर यहां पे मेहनत ना भी करें तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, यहां पे मेहनत ना करें तो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और यहां पे भी मेहनत ना करें तो कुछ ना कुछ, शायद 2 साल तक हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत ना भी करें तो भी हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो 2013 और 2014 में, ठीक है, 2013-2014 में प्रॉफिट शायद मिलता है। इन्होंने 2010, 2011 और 2012 में बहुत मेहनत की, तो इन्हें लगता है कि 2013 और 2014 में बहुत सारा प्रॉफिट इन्हें मिलेगा ना, तो इन्हें लगता है कहां पे? 2012 के एंड में। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि इन्हें 2013 में कितना प्रॉफिट मिलेगा और 2014 में कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या लगता है? 2013 में कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? गुडविल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना, हां फ्यूचर, आप गुडविल की जब भी बात करते हैं, आइए यार इनका गुडविल है, अब गुडविल का अमाउंट बताते हैं, गुडविल का अमाउंट बताते हैं, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होने वाला है वही ना बताते हैं। तो आप ये मुझे बताओ 2013 में कितना प्रॉफिट मिलेगा, गैस करिए, अपने से गैस करने की कोशिश करेंगे, तो आप कोई अमाउंट नहीं दे सकते कि नहीं यार यहाँ पे 60,000 होगा, यहाँ पे 70,000 होगा, या यहाँ पे 50,000 हो सकता है, यहाँ पे 40,000 हो सकता है, हम ऐसा कोई अमाउंट नहीं ले सकते। बट हम अपने पास्ट के बेसिस पे जरूर एक बार बता सकते हैं कि फ्यूचर में शायद ये हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद तो मतलब ये कह सकते हैं कि क्या करें कि अगर मैं यहाँ को 30,000 या मैं यहाँ कहूँ 40 तो भी गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये तीनों को नहीं पता कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद इसके पास से पड़ता एक एवरेज का यहाँ पे जरूर प्रॉफिट हो सकता है। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि इन सबको ऐड करके सर आप इसका एवरेज ले लीजिए, शायद यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं कहूँगा 15,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000, जितना साल 1, 2, 3 तीनों बैठ करो और 3 से क्या करो डिवाइड करो, जितने साल का एडिशन दे रहे हो उतने से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 40 40 और 30 70। बट 70,000 को हम क्या कर सकते हैं डिवाइड करने के 3 से, प्रॉब्लम होगा, 70 को 3 से डिवाइड करने में क्या होगा प्रॉब्लम होगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर दे रहे हैं 20,000, इस साल को क्या कर रहे हैं 20,000 कर रहे हैं, अब 20,000 कर दिए तो यहाँ पे कितना होगा टोटल 60,000 डिवाइडेड बाई 3 तो मतलब 20,000 ये हर साल एवरेज प्रॉफिट कमा रहे, कितना कमा रहे एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे, मतलब इन्होंने 15 कमाया, 25 कमाया, फिर 20 कमाया, तो ये हर साल ऑन एवरेज 20,000 कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज यहाँ पे भी 20 कमाएंगे और यहाँ पे भी 20,000 कमा सकते हैं, इस बात से कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये एवरेज प्रॉफिट देखा जाए 3 साल का तो 20 है, तो आने वाले साल में भी 20-20 की कमा सकते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो कितने साल तक लगा है, इन्हें कितने साल तक लग रहा है, 2 साल लग रहा है कि 20,000 कमाएंगे, एक्सपेक्टेड 2 ईयर, कितने एक्सपेक्टेड 2 ईयर लग रहा है, कितने साल तक लग रहा है 2 साल, एक्सपेक्टेड ईयर क्या है 2 ईयर। अब इनकी गुडविल अगर किसी को पूछेगा भी कोई पूछेगा, इन्हें लगता है कि हम 20,000 यहाँ पे भी 20,000 यहाँ पे भी कमा रहे हैं, तो ये दोनों ये तीनों क्या करेंगे, ये 2013 और 2014 में हम 20,000 यहाँ कमाएंगे और 20,000 यहाँ कमाएंगे, तो हम टोटल कितना कमाएंगे 40,000 कमाएंगे, और यही हमारी
गुडविल है, यही हमारे क्या है, गुडविल है। तो गुडविल में इन्हें इन्होंने क्या बताया कि अपने एवरेज प्रॉफिट से, इन्होंने ये बताया कि हम अपने एवरेज प्रॉफिट से फ्यूचर में कितने साल तक ये बेनिफिट कमाएंगे, और हम उसको जब ऐड कर देते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट 20,000 कमा रहे हैं और हम उसको ऐड कर देते हैं, वही हमारी गुडविल होती है, जिससे भी हम एवरेज प्रॉफिट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, कितना कितना आसान फॉर्मूला होता है। अब देखो, सबसे पहले स्टेप वन, एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब गुडविल वैल्यूएशन करी तो स्टेप वन क्या करें, स्टेप वन सारे साल के प्रॉफिट को ऐड करें, मतलब सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट करें, हाँ सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, फिर उसको क्या करें, डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड किससे, जितने साल का प्रॉफिट है, किससे, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, ठीक है, याद रखो हमने ये एवरेज है, और कितने साल तक आएगा, एक्सपेक्टेड ईयर, एक्सपेक्टेड ईयर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना, आप लोग जब भी बोलते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला, तो आप देखो क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये क्या निकल लेते हो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल, और आप गुडविल इक्वल टू क्या बोलते हो, फिर गुडविल इक्वल टू जितना भी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कई लोगों को ईयर में नंबर ऑफ ईयर परचेस किया है, मतलब परचेस किए कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, परचेस का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हम परचेस किए, गुडविल परचेस किए, गुडविल या एवरेज प्रॉफिट परचेस किए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब ये होता है कि वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने साल तक आएगा, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने साल तक आएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2 साल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 2 हो जाता है। अगर ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3 साल तक आएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब ये होता है कि ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक आने वाला है हमारे पास एफर्ट से, बात समझ गए, आप यहां पर देखिए एपी कितना निकाला, 20,000, एक्सपेक्टेड ये कितना, कितने साल तक ये चेक करना चाहिए, 2 साल, तो आप इसे क्या कर देंगे, इनटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40,000, गुडविल कितनी हो गई आपकी, 40,000, बात समझ गए, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप नॉर्मली देख सकते हैं, एपी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, जनरली की कोई भी बंदा होता है वो अपने पास्ट एफर्ट से देखता है फ्यूचर में कितने साल तक कोई प्रॉफिट आएगा, तो वो पास्ट एफर्ट का फ्यूचर में प्रॉफिट जब चेक करता है तो वो ये नहीं बता सकता कि प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट ले, तो वो क्या करता है, वो एवरेज प्रॉफिट ले लेता है, वो एवरेज प्रॉफिट को कितने साल तक चेक करता है उसी का समीशन कर लेता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है। आई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज इसको थोड़ा केस करेंगे, केस करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं, एक्स वाई फॉर्म, ठीक है, हैव अ प्रॉफिट ऑन टू परसेंट है,
Number of year purchase. Purchase 6. 6 का मतलब 3 है. तो number of year purchase 3 का मतलब क्या हो जाता है? कि ये जो average profit यहां से निकालेंगे वो कितने साल तक होगा? 3 साल तक. The goodwill is valued by average profit.
जब भी लॉस से मिलता है क्वेश्चन ना, तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, अरे अब क्या होगा। तो बहुत आसान होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स बहुत ही आसान चीज़ है, इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। ये आशीर्वाद की तरह मिला है आप लोग को, समझ लीजिए सर। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन देखते हैं, केस लिखते हैं, केस वन हमने कर लिया। केस वन ये था व्हेन ओनली प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये केस वन था जिसका हमने एबी से क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, बेस्ट इसका क्वेश्चन। अब केस टू ये है कि व्हेन प्रॉफिट और लॉस बोथ की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया होगा और लॉस भी दिया होगा, उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है, केस टू का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म, इन द फर्म रेशियो 4:5:6, 4:5:6 एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म 4:5:6 दे एडमिटेड जेड सॉरी ए इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर ए एडमिट। हम फर्म की वैल्यूएशन कई कंडीशन में करते हैं, चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट चाहे, तो सब जगह उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो ये मत घबरा रही है कि मैंने एडमिशन लिखा है तो आप इसका वैल्यूएशन खाली एडमिशन में करेंगे। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का वैल्यूएशन चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता, उसकी वैल्यूएशन आप हर जगह उसी मेथड से होगी जिस मेथड से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। आपको उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे डेथ का कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर का कर रहे हो, चाहे एडमिशन का कर रहे हो, कि सर वैल्यूएशन आपको भी यहाँ दिया जाएगा क्या लोगों का, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके लिए एक ही तरीका होता है वैल्यूएशन आपको भी करने का, ठीक है। दैट दे एडमिटेड ए इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर फॉर दिस पर्पस दे वैल्यू दे गुड टू by average profit method. Average profit method. The goodwill is valued. जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हो ना, तो इसे लॉस की समझिएगा। लॉस जब भी क्वेश्चन में कोई अमाउंट ब्रैकेट में लिखता है, अगर गुडविल का क्वेश्चन लगा रहे हो और क्वेश्चन में दे दिया कि सर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये लॉस और यहाँ पे 60,000। अब ये 60,000 इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब ये है 60,000, इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट है, ठीक है। फिर 20,000 ये फिर प्रॉफिट, फिर यहाँ लिखिए 20,000 लॉस, फिर यहाँ पर लॉस, फिर यहाँ लिखिए 40,000 प्रॉफिट, क्या लिखते हैं प्रॉफिट। अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं लिखा है, तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए ब्रैकेट इस शब्द लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3-4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। आप इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें गुडविल इक्वल टू पता है कि गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ
ईयर परचेस, ठीक है। एपी का फॉर्मूला, एपी इस पर क्या होगा, एपी को यहां से निकालेंगे। एपी इस पर सबसे पहले लिखा है 10,000 ब्रैकेट में, तो 10,000 ब्रैकेट में इसको यहां पे लिखो माइनस, लॉस है सबसे पहले लॉस है इसको लिखो माइनस, फिर प्लस लगाओ प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट है फिर प्लस लिखो 60,000, ठीक है। फिर ब्रैकेट में फिर क्या लगाओ माइनस 20,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट है तो प्लस लिखे 40,000। अभी कितने साल के लिए इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 साल, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज को कई कई बच्चे क्या करते हैं इसे यहाँ लिख देते हैं, तो ऐसा कभी मत करिएगा। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जब भी निकालते हैं ये पांच, ये जितनी साल तक होता है उतने साल के लिए होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज जब भी कभी कभी कई बच्चों को दे देते हैं इसे लिख दीजिए, तो इसी से डिवाइड करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, इसे एपी से मल्टीप्लाई करने के लिए रखा जाता है, इसे आप एपी से मल्टीप्लाई करने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30,000 माइनस कर दिए, ये हो गया आपका 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5, ये 50, 50, 30, 80, 80 में से लिया 60, 60 प्लस 40 1,00,000 वेट के पास से ये आ जाएगा आपका 20,000, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000। एवरेज प्रॉफिट आपका ये आ गया 20,000। अब आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट का कितना 20,000, 20,000 नंबर ऑफ ईयर परचेस, मतलब ये कितने साल तक प्रॉफिट आने वाला है, 3 साल तक इनटू 3 इसको तो अगर गुडविल कितना हो गया 8,000 आता गुडविल हो गया, ठीक है। तो ये केस हो गया, केस टू हो गया व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। आगे कभी कभी ये होता है कि कई बार क्या होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं अरे ये क्या आ गया, इतनी चिंता की। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, मैं जब क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस भी दिया हो क्वेश्चन में तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, कैसा लगा आपको क्लास ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।